हैंड टेम करने की लगती है। देख लो भाई जेब्रा फिंच कितने कितने जोड़े आ जाएंगे, मतलब 20। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे को नए यूट्यूब वीडियो में। आई होप आप सभी एकदम ठीक है। मैं भी एकदम ठीक हूँ। ये देख लो भाई, सुबह ही सुबह मोटो महारानी अपनी कैसे पड़ी है भाई, अपना सब कुछ काम करके जो फिर से दोबारा सो गई थी। देख लो, चल भाई घूमने, चले घूमने भाई, इसका मन नहीं है घूमने घूमने का, तो मैं हर चारा जा रहे हैं बाहर भी घूमने के लिए। तो आगे भाई जा रहा है दोस्त की तरफ, इसकी दोस्ती जा रहे थी, अब इसकी दोस्ती डोरा से भी हो गई। इसे देख लो भाई, तेरा जा रहा, देखो इसे कैसे मिला डोरी। तो गाइस अभी हुआ यूं कि डोरा जो है ना हमारे आगे के चल रही थी, तो एकदम से सामने बुक गया भाई। तो भाई इसका पता नहीं क्या हुआ, झुट्टे की तरफ को भागने लगी डोरा। इसे लगा कि एनिमल है, मेरा दोस्त ही होगा। तो भाई जैसे उसकी तरफ भागी ना, तो वो एकदम उछल गया, और वो एकदम उछल के इसके ऊपर कदम रखने वाला था। मैंने एकदम उसे लात से आग के ऊपर दिया, मतलब इसे लात मार के एकदम आगे हो गई हो। अभी जब से मेरे से नाराज हो गया, भागी भागी घर पा कर गई सीधा। और भाई सुबह ही सुबह अपने परिंदों की आवाज़, एकदम माइंड को रिलैक्स करने वाली आवाज़ है इनकी भाई, एकदम मतलब सुबह सुबह सुन के एकदम दिल को सुकून सा मिलता है और दिमाग एकदम शांत सा हो जा। और ये देख लो, मैं परिंदों की बात करने लगा तो डोरा मैडम भी अपने पास आ गई। हाँ भाई डोरी, क्या चाहिए तुझे? देखो ऊपर जा कर दिखा रही है। तो ये देख लो गाइस, डोरा मैडम आ गई, कह रही मैंने पोज मार दिया, तू मेरा फोटो खींच दे। देख लो भाई, मैं परिंदों की बात कर रहा था, एकदम डोरा आ गई और एकदम जा रहा कि भी चिरमिराट लगने लगी कि भाई मेरी भी तो खींच तो फोटो। लेकिन पहले डोरा की खींचते हैं, आज बहुत दिन हो गए इसकी फोटो वोटो खींचे हुए है। नहीं डोरी तेरी खींचे ना भाई, डोरी एकदम मस्त जानवर है बिल्कुल, इसे कोई लेना देना नहीं है कि घर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। इसे अपना मस्त एकदम खाना है और सोना है और थोड़ा बहुत खेलना है। और ये पता है जैसे जा रहा है ना, जा रहा हमारे साथ खेलती है ये, हमारे हमसे तो दूर भागती है, मतलब हमसे नन्नू के साथ खेलती है, बच्चे के साथ। और बाकी खेलती है लकड़ियों के साथ, पायों के साथ, बेड के साथ। और इसने जो है ना इसके अंदर छत के अंदर भी गड्ढे कर रखे हैं खोद खोद के, पता नहीं ये भैया ये अलग ही फिल्म है नहीं डोरी। अब ये सोच रही है कि मेरी तारीफ कर दिया। A few minutes later, finally guys पहुंच चुके हैं मार्केट के अंदर। भाई ये देख लो ये कितने बड़े बड़े हैं, ये सबसे बेस्ट लग रहे हैं मुझे तो। और इनका कलर भी एकदम टॉप है, बिल्कुल बढ़िया बिल्कुल। इनका प्राइस और इनका प्राइस में 100 रुपये का अंतर है, ये 300 रुपये का पेयर है और ये 400 रुपये का पेयर है। गाइस ये 300 रुपये वाले हैं वैसे। भाई गाड़ी खड़ी करके आराम से आ जाओ भैया। और ये हैं जेब्रा फिंच, ये 200 रुपये का पेयर है। बता देंगे आपको भाई, इधर का आ जाओ आराम से। ये चीज है। तो इन्हें देख लो गाइस, थोड़े पास से देख लो भाई, शोर बहुत ज्यादा हो रहा है ट्रैफिक का। तो ये देख लो, ये मार्केट जो है ना ये घंटा करके यहाँ पर है, पास में कोई मेरठ वाला हो तो मैं एड्रेस जो है ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप देख लेना पसंद कर लेना अपने हिसाब से, बाकी जो भी है पसंद करके लेना, क्योंकि ये हेरा फेरी बहुत करते हैं भाई इसमें जो ना, आधे मुझे बीमार लग रहे हैं और आधे ठीक भी हैं। ये देखो ये कितना बीमार है, और कुछ कुछ ठीक भी है इसमें। कौन सी सही लगी तुम्हें, कौन सी सही लग रही है, ये वाली? देख तो लूँ मैं एक बार, चेक कर लूँ चारों तरफ से भाई, ये वाली सिलेक्ट करिए अंकल ने मिल लियो। हैं नेट पे क्या देखूँ, नेट पे तो तुम आओगे परसों। देख लो भैया ये अंकल देने वाले भाई, इसका देख लो यहाँ एलर्जी हो रही है। ये हो चुकी है अपनी एक लेडी भाई, ये ले ली एक, देख लो कैसे करके ले जानी पड़ेगी। ऐसे जाएगी कितनी दूर तक चली जाएगी अंकल? ये ऐसा है, ऐसे हमें जाना है 60 किलोमीटर दूर तक चली जाएगी, कोई दिक्कत तो नहीं है? कॉटन का कपड़ा। अच्छा हाँ, वाले ही कॉटन कपड़ा। कितने पेयर आ जाएंगे इसके अंदर, इस वाले केज में कितने पेयर आ जाएंगे, कितने कितने जोड़े आ जाएंगे, मतलब 20 मतलब रखने वाले भाई, एक्सीडेंट हो गया यहाँ पर, रखने वाले कितने आ जाएंगे जो इन्हें दिक्कत ना हो, 5 जोड़े
आराम से तो खेलेंगे। अच्छा जी, इनका कौन सा मौसम हुआ बच्चे निकालने का? मौसम दोनों बराबर चल रहा है। देख लो भाई जेब्रा फिंच। यहाँ पर आ गए, यहाँ पर भी सेम रेट है, बाकी यही है जो भी कुछ है। और कबूतर भी है भाई वहाँ तो। ट्रेनर है वीडियो बना। भाई ये देख लो कॉकटेल। आइए नहीं मतलब काटेंगे क्या करेंगे, काटा तो ना। हैंड टेम करने की लगती है। सही बताओ कितने रुपए देने? तुम क्या दोगे बोलो। सो गाइज उसके अंदर कॉकटेल का जो प्राइस था वो था 1500 रुपये का एक पीस, मतलब 3000 रुपये का पेयर। और बजीज का था वो एक 300 रुपये का पेयर था और एक 400 रुपये का पेयर। और जो जेब्रा फिंचेस थी उनका 200 रुपये का पेयर था। बाकी अगर आप जा रहे हो तो वहाँ पर मतलब अपने मतलब एक किसी ऐसे दोस्त को लेकर जाना जिसको फुल नॉलेज हो, क्योंकि यार वो जो है ना मतलब थोड़े उसके अंदर बीमार बच्चे भी होते हैं, तो उन्हें ना लेकर आप बढ़िया से बढ़िया चीज़ सेलेक्ट कर वो अपने घर पर लेकर जाओ अगर आपको शौक है तो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि अगर ये वीडियो पर अच्छा रिव्यू आता है मेरी ऑडियंस का तो भाई बहुत ही जल्दी एक बहुत ही फेमस बर्ड मार्केट है दिल्ली लाल किले की, तो वहाँ पर भी जाएंगे हम अगर इस वीडियो पर ठीक ठाक व्यूज़ आते हैं तो। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो करते हैं एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, पसंद आई तो इसे लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूँ आपसे कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों स्टे सेफ स्टे हैप्पी एंड आप सभी को राम राम।